भारत अपनी संस्कृति सभ्यता के अलावा प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और भारत में कई बड़े बड़े जंगल मौजूद हैं। इसकी वजह से भारत को हरा भरा और एक सुंदर देश कहा जाता है। इसके अलावा भारत में कुछ खतरनाक जंगल भी हैं, जहां जाने से लोगों की रूह कांप जाती है, जहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है। आइए जानते हैं भारत के 5 सबसे खतरनाक जंगलों के बारे में। नंबर 5, सुंदरवन फॉरेस्ट, पश्चिम बंगाल। सुंदरवन को भारत का सबसे खतरनाक जंगल माना जाता है। सुंदरवन केवल नाम से ही सुंदर है। यह जंगल अंदर से इतना खौफनाक है कि यहां जाने से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह खतरनाक जंगल पश्चिम बंगाल में स्थित है। गंगा नदी के डेल्टा पर यह सुंदरवन स्थित है। करीब 2200 किलोमीटर में यह जंगल फैला हुआ है। दुनिया में रॉयल टाइगर के लिए यह जंगल जाना जाता है। यहाँ खारे पानी के मगरमच्छ भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इस जंगल की भूमि एकदम दलदली है। सुंदरवन आदमखोर बाघों की धरती है, जहां हर साल दर्जनों लोग बाघों का शिकार बन जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये हमले लगातार बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप ये मेरा वीडियो किस स्टेट से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 4, गिर फॉरेस्ट, गुजरात। गिर का जंगल भारत का दूसरा सबसे बड़ा जंगल है। गुजरात में स्थित गिर का जंगल एशियन शेरों के लिए काफी प्रसिद्ध है। इस जंगल में एशियन शेरों का काफी ज्यादा दबदबा फैला हुआ है। यह जंगल लगभग 1412 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। गिर का जंगल दुनिया में पहला ऐसा जंगल है जहां पर एशियन शेर पाए जाते हैं। गिर के जंगल को सन 1969 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। नंबर 3, खासी माउंटेन फॉरेस्ट, मेघालय। माना जाता है कि यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा जंगल है। भारत के मेघालय में पड़ने वाला खासी के पहाड़ों के बीच स्थित वर्षावन है। दक्षिण में स्थित चेरापूंजी के कारण यह जंगल साल के हर दिन बारिश से भीगा रहता है। खासी के पहाड़ों के ऊपर स्थित यह जंगल लगभग 1900 मीटर की ऊंचाई पर है। मेघालय में स्थित यह जंगल काफी बड़े क्षेत्र में फैले हैं। भारत में मेघालय पहला ऐसा राज्य है जहां पर वहां की कुल भूमि का 75% से भी ज्यादा भाग जंगलों से घिरा हुआ है। नंबर 2, नामडाफा फॉरेस्ट, अरुणाचल प्रदेश। नामडाफा जंगल को भारत के चौथे सबसे बड़े और खौफनाक जंगल के रूप में जाना जाता है। पूर्वी हिमालय के अरुणाचल प्रदेश में स्थित ये जंगल 1985 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये जंगल भारत के बहुत ही ठंडे इलाके में स्थित है। इस जंगल में ऐसे ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो भारत में और कहीं नहीं पाए जाते हैं। इन जंगलों में लाल पांडा, लाल लोमड़ी, क्लाउडेड लेपर्ड जैसे जानवर पाए जाते हैं। इसके अंदर अकेले घुसना खतरे से खाली नहीं। नंबर 1, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट भारत का 5वां सबसे बड़ा जंगल है। विलुप्त होते टाइगर के संरक्षण के लिए सन 1936 में इस पार्क को बनाया गया था। उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित जिम कॉर्बेट 520 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है। बंगाल के टाइगरों का खौफ यहां सबसे ज्यादा फैला हुआ है। बंगाल के टाइगर आपको यहीं मिलेंगे और इसके साथ मगरमच्छ, अजगर और पक्षियों की कई प्रजातियां यहां रहती हैं। हाथी की चिंघाड़, मोर का नाच, ऊंट की सैर, शेरों की दहाड़, लाखों पक्षियों की चहचहाहट सुनने और देखने को मिलेगी। दोस्तों, उस समय के गवर्नर माल्कम हेली के नाम पर इस पार्क का नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया था। स्वतंत्रता मिलने के बाद इस पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया और स्वतंत्रता के बाद विश्व में जिम कॉर्बेट नाम के एक प्रसिद्ध शिकारी के रूप में फैल गया था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।